ओम सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय जी आर्य उपनिषद के 331वें वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल 23 दिसंबर है, स्वामी शारदानंद जी का बलिदान दिवस है, जिसको हम केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के निवास स्थान पर सुबह बनाएंगे। 10 बजे यज्ञ होगा। डॉक्टर जयेंद्र आचार्य जी नोएडा के ब्रह्म रहेंगे। विमलेश महेश्वर जी का उद्बोधन होगा। 12-12:30 बजे प्रीति भोज की व्यवस्था भी रहेगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 14 महादेव रोड, टिकट पटेल चौक, मेट्रो स्टेशन। 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद ने स्वामी शारदानंद जी की शुद्धि के लिए नया बाजार से स्वामी शारदानंद बलराम भवन में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो उसकी पूर्व संध्या पे आज आर्य रविदेव गुप्ता जी का उद्बोधन रहेगा। स्वामी शारदानंद व्यक्तित्व कृतित्व, आज की मुख्य अतिथि सुरेंद्र शास्त्री जी, अध्यक्ष अमीर चंद्र खिजा जी के स्वागत। अब माता प्रवीण ठक्कर जी से प्रार्थना करूंगा, एक बार गायत्री मंत्र का पाठ एक भजन द्वारा कार्यक्रम शुरू करें। माता प्रवीण ठक्कर जी। अनिल जी नमस्कार, सभी को सादर नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही दर्द ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु भक्ति का एक छोटा भजन। प्रभु तेरु नाम ज्योत्याए फल पाए सुख लाए, तेरु नाम प्रभु तेरु नाम तेरी दया हो जाए तो दाता, तेरी दया हो जाए तो दाता, जीवन धन मिल जाए तेरो नाम सुख लाए, तेरो नाम तू दानी तू अंतरयामी, तेरी दया हो जाए तो स्वामी, हर बिगड़ी बन जाए जीवन धन मिल जाए सुख लाए, तेरो नाम बस जाए मोरा सुनांगना, खिल जाए मुरे जाया कंगना, जीवन में रस लाए सुख लाए, तेरो नाम प्रभु तेरो नाम ज्योत्याए फल पाए सुख लाए, तेरो नाम सुख लाए तेरो नाम। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी विनती बहुत बहुत धन्यवाद माता ठक्कर जी। अब पानीपत से माता जनक अरोड़ा जी आएंगे एक मधुर भजन, फिर रविंद्र गुप्ता जी तैयार रहेंगे। आइए माता जनक अरोड़ा जी।
सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी, आइए। सब आर्य जनों को मेरा नमस्कार। आज आज श्रद्धा बलिदान दिवस पर कुछ थोड़ा सा बोलूंगी। श्रद्धा और आनंद की वह तो एक मिसाल थे, श्रद्धा और आनंद की वह तो एक मिसाल थे। वैदिक शिक्षा के प्रसार की आदर्शों की ढाल थे, वैदिक भावों के प्रचार के आदर्श श्रद्धा अनंत थे। देश धर्म पर मर मिटने को जीवन के आनंद थे, वैदिक भावों के प्रचार के आदर्श श्रद्धा आनंद थे। देश परम पर मर मिटने को जीवन के आनंद थे। छोटा सा गीत। गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, रक्त से अधिक बगीचा सींच कर, रक्त से अधिक बगीचा सींच कर, धर्म हित मरना सिखा कर चल दिए, धर्म हित मरना सिखा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, चुक रही संगीन सीना सामने, चुक रही संगीन सीना सामने, कदम आगे को बढ़ा कर चल दिए, कदम आगे को बढ़ा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, कांगड़ी गुरुकुल बना कर चल दिए, कांगड़ी गुरुकुल बना कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, वेद ध्वनि सबको सुना कर चल दिए, वेद ध्वनि सबको चला सुना कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, पाठ समता का पढ़ाया आपने, पाठ समता का पढ़ाया आपने, चक्र शुद्धि का चला के चल दिए, चक्र शुद्धि का चला के चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, भाई से भाई मिलाया था गले, भाई से भाई मिलाया था गले, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए, गो प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए। धन्यवाद मलिक। बहुत बहुत धन्यवाद माता चंद्र करोड़ा जी।
बहुत अच्छी श्रद्धांजलि आपने अर्पित की, गोलियां सीने पे पिस्तौल की खाक के चल दिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से आएंगे, एक गीत भजन प्रस्तुत करेंगे। रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक श्रद्धानंद जी के ऊपर ही एक छोटा सा गीत, पहले उसकी भूमिका है। पूछा किसी ने कि वेदों का प्रचार हो किस तरह, गुरुकुल बना के देश में बता दिया के यूं। पूछा किसी ने कि अछूतों का उद्धार हो किस तरह, शुद्धि चला के देश में बतला दिया कि यूं। पूछा किसी ने देश का उद्धार हो किस तरह, तन मन धन लुटा के बता दिया कि यूं। मरते हैं कैसे सूरमा मैदान जंग में किस तरह, सीने पे खा के गोलियां बता दिया कि यूं। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है। धन मान सभी अपना, धन मान सभी अपना, आर्य समाज को दे दिया साकार किया सपना, आर्य समाज को दे दिया साकार किया सपना। ऋषिवर के दीवाने ने, ऋषिवर के दीवाने ने गुरुकुल खोल दिया मन के मस्ताने ने, गुरुकुल खोल दिया मन के मस्ताने ने। दुश्मन बेईमान हुआ, दुश्मन बेईमान हुआ, स्वामी सदानंद का था अमर बलिदान हुआ, स्वामी सदानंद का था अमर बलिदान हुआ। वह काम किया उसने, वो काम किया उसने, पथिक जाति गिर जाती बस थाम लिया उसने, पथिक जाति गिर जाती बस थाम लिया उसने। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। माता चरण करोड़ा जी का आपका बहुत अच्छा प्रवीण ठक्कर जी का भजन हुआ। आज के मुख्य वक्ता रविजय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करता हूँ। रजनी चुग जी आएंगी एक भजन के लिए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे, श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे, धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे, धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे, बिंदुओं के रक्त से सींची थी वैदिक वाटिका, बिंदुओं के रक्त से सींची थी वैदिक वाटिका, महर्षि जो राम थे हनुमान श्रद्धानंद थे, महर्षि जो राम थे हनुमान श्रद्धानंद थे। चांदनी का चौक दिल्ली की मिले हैं साक्षी, चांदनी का चौक दिल्ली की मिले हैं साक्षी, तान कर सीना खड़े बलवान श्रद्धानंद थे, तान कर सीना खड़े
बलवान श्रद्धानंद थे। जामा मस्जिद के खड़े मिंबर पर दिल्ली खास में, जामा मस्जिद के खड़े मिंबर पर दिल्ली खास में वेद मंत्रों का किया गुंजान श्रद्धानंद थे। वेद मंत्रों का किया गुंजान श्रद्धानंद थे। श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। ओम। अब एक छोटा सा गीत स्वामी दयानंद जी का, जो हम प्रभात फेरी के समय अक्सर गाते हैं शोभा यात्रा में, वही सुना रही हूँ। बड़ी निराली शान वेदा वाले दी, बड़ी निराली शान वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी, अज बड़ी निराली शान वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी, की महिमा करा बखान वेदा वाले दी, की महिमा करा बखान वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी। लेख राम ने लिखी है सुंदर जिस दी अमर कहानी, लेख राम ने लिखी है सुंदर जिस दी अमर कहानी, शत्रु जिस दे नेड़े आके हो गए पानी पानी वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी, अजी बड़ी निराली शान वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी। एक पासे मेरा ऋषि प्यारा, एक पासे जग सारा, एक पासे मेरा ऋषि प्यारा, एक पासे जग सारा, वेद भाषा दा कम जो किता कुल दुनिया तो न्यारा, भारत मा दा जाया जय हो, मथुरा पढ़ के आया जय हो, ओ ता ब्रह्म जानी जय हो, ओ ता आत्म जानी, अज बड़ी निराली शान वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी, की महिमा करा बखान वेदा वाले दी। ना कोई असला ना कोई लश्कर, ना घोड़े ना हाथी, ना कोई असला ना कोई लश्कर, ना घोड़े ना हाथी, निकल पया ओ कलम कल्ला, ना संगी ना साथी, निकल पया ओ कलम कल्ला, ना संगी ना साथी, वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी, अज बड़ी निराली शान वेदा वाले दी, की महिमा करा बखान वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी, जय जय वेदा वाले दी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी चुग जी। अब प्रतिभा कटारे जी जनकपुरी से आएंगे, उसके बाद आज के मुख्य वक्ता रविंद्र गुप्ता जी तैयार रहेंगे, बाकी भजन मुख्य वक्ता के बाद। आइए प्रतिभा कटारिया जी। आदरणीय अनिल आर्या जी, सभी अतिथिगण, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारी बहनों तथा प्यारे भाइयों, सभी को मेरी सादर नमस्ते। धर्म युद्ध में डटे रहे वो पग पीछे न हटाया था, धर्म युद्ध में डटे रहे वो पग पीछे न हटाया था, कन्या गुरुकुल खुलवा करके आर्ष विजय को पाया था, कन्या गुरुकुल खुलवा करके आर्ष विजय को पाया था, गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली से देश आजाद करवाया था, गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली से देश आजाद करवाया था, भारत माता को गुलामी के शासन से मुक्त कराया था, भारत माता को गुलामी से शासन मुक्त कराया था, गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली को फिर लागू करवाया था, गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली को फिर लागू करवाया था, कन्या शिक्षा के हेतु तब वैदिक नाद बजाया था, कन्या शिक्षा के हेतु तब वैदिक नाद बजाया था, झुक गई गोरों की संगीने
स्वामी की हुंकार से झुक गई गोरों की संगीने, स्वामी की हुंकार से साक्षी दे रहा चांदनी चौक, ये शस्त्रों की टंकार से साक्षी दे रहा चांदनी चौक, ये शस्त्रों की टंकार से। मेरे वक्तव्य का विषय है अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद। शहीदों की शहादत उस देश की वीरता की कहानी लिखती है जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण किया होता है। स्वामी श्रद्धानंद न केवल एक आदर्श सन्यासी थे अपितु एक वीर पुरुष भी थे। श्रद्धानंद जी का जन्म जलंधर के तलवन नामक ग्राम में हुआ था। पिता नानक चंद की प्रेरणा ने मुंशी राम को दयानंद का एक प्रवचन ओम नाम की व्याख्या सुनने के लिए प्रोत्साहित किया और जादू ऐसा हुआ मन और आत्मा पर कि मुंशी राम श्रद्धानंद ही बन गए। जीवन के दोष, जीवन की बुराइयां स्वतः ही दूर होती चली गई और भारत माता का महान सपूत बनकर गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्था का निर्माण कर आर्ष विद्या का, आर्ष शिक्षा का, वैदिक पद्धति का, स्वतंत्रता संग्राम का, नारी शिक्षा प्रणाली का, वेद प्रचार एवं प्रसार का एक सफल वाहक ही बन गया। फिर उस कार्य के लिए ना दिन देखा ना रात, ना घर देखा ना जात, ना जग देखा ना परिवार। वसुधैव कुटुंबकम के उद्घोष को जीवन में उतारने के लिए कल्याण के अनंत पद की दुर्गम एवं कंटका कीन यात्रा पर निकल पड़े और कष्टों व बाधाओं से डरकर कभी पीछे नहीं मुड़े और अग्रसर होते ही रहे। हमने कहा स्वामी जी जिस पद पर आप चल रहे हैं कल्याण तो है परंतु दुख ही दुख है। स्वामी जी ने कहा अरे भोले भक्त, यदि समाज सुधार का कार्य करना है तो कांटों के मार्ग पर तो चलना ही होगा। शुद्धि आंदोलन के माध्यम से मानव जाति की, ऋषि संतति की ऐसी सेवा की कि 1926 में यही शुद्धि आंदोलन उनके जीवन का काल बन गया और हमसे विदा हो गए। उनके जीवन का आचरण व्यवहार हमारे लिए प्रेरक है व शिक्षादायक है। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने जीवन को तपस्या की भट्टी में ऐसा तपाया कि जीवन कुंदन की तरह चमक कर सामाजिक क्षेत्र में सूर्य की भांति चमकने लगा। जिस पथ के राही थे श्रद्धानंद उस पर न आराम था न चैन था और न ही सुख था। पारिवारिक सुख शांति को त्याग कर, वैभवशाली ग्रह त्याग कर, बच्चों के मोह को त्याग कर ये अनंत पद का आदर्श व वीर यात्री समर्पित व कर्मठ योद्धा आदर्शों के प्रचार के लिए आगे ही आगे बढ़ता रहा। जीवन की सच्चाई को जाना था श्रद्धानंद ने। कन्या शिक्षा के पराधीन और कुंठाग्रस्त भारत में सर्वप्रथम प्रचारक व प्रसारक यदि कोई थे तो वे थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी जी का जीवन निर्लोभ व निरअहंकारी था। स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भाग लिया और भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प पूरा हुआ। स्वामी जी ने समाज सुधार के सभी क्षेत्रों को छुआ और उन्हें पूर्ण भी किया। श्रद्धानंद वीर है, आदर्श सन्यासी हैं, महान त्यागी हैं और सर्वस्व समर्पक हैं। अंत में जीवन में ना भय था किसी का, निर्भय श्रद्धानंद थे। जीवन में ना भय था किसी का, निर्भय श्रद्धानंद थे। गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली के प्रेरक श्रद्धानंद थे। गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली के
प्रेरक श्रद्धानंद थे। श्रद्धा और आनंद की वह तो एक मिसाल था, श्रद्धा और आनंद की वह तो एक मिसाल था। वैदिक शिक्षा के प्रसार की आदर्शों की ढाल था, वैदिक शिक्षा के प्रसार की आदर्शों की ढाल था। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा कटारे जी, बहुत अच्छा जीवन परिचय दे दिया आपने। दीप्ति सप्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक भजन अगर सुनाना चाहें स्वागत है, फिर रवि देव गुप्ता जी का उद्बोधन। दीप्ति जी सुनाओगे? सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। एक भजन गुरु विरजानंद जी का, रामदेव मदान सिलवासा से। देंगे टाइम भाई साहब? एक भजन मुख्य वक्ता के बाद, मुख्य वक्ता के बाद अब सिर्फ दीप्ति जी का, इसलिए वो अध्यापिक है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासे लेनी होती हैं, उनकी व्यस्तता को देखते हुए समय दिया है। ठीक है। बोलो दीप्ति जी। गुरु के लिए परंपरा के संवाहक स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम, आइए उन्हीं को समर्पित एक गीत। स्वामी श्रद्धानंद था प्यारा, सभी की आंख का तारा। स्वामी श्रद्धानंद था प्यारा, सभी की आंख का तारा। जिया वह श्रेष्ठ कर्म करके, मर कर भी अमर हो गया। स्वामी श्रद्धानंद था प्यारा, सभी की आंख का तारा। चले वैदिक धर्म पर जब, न मुड़ करके कभी देखा। दयानंद ने बताया था, दयानंद ने बताया था। वो पथरीला ही मार्ग चुना, मार्ग और भी खुले थे जो, वे मंजिल ही पाना था। स्वामी श्रद्धानंद था प्यारा, सभी की आंख का तारा। गुरुकुल पद्धति अपनाई, ब्रह्मचर्य को पहचाना। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा युवा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा युवा। एटम बम बना डाला, अंग्रेजों की नींव हिली। जब स्वामी जी ने फटकारा, स्वामी श्रद्धानंद था प्यारा, सभी की आंख का तारा। जामा मस्जिद पे ललकारा, चांदनी चौक थर्राया। मंत्रों का पठन पाठन था, मंत्रों का पठन पाठन था। छाती चीर कर गाया, गौरों ने तोप जब तानी, तो सीना ही अड़ा आया। स्वामी श्रद्धानंद था प्यारा,
सभी की आंख का तारा, क्या मुस्लिम क्या ईसाई, वैदिक धर्म सिखाया था, जाति कौम से ऊपर, जाति कौम से ऊपर, हरिजन को बिठाया था, आजादी के लिए मिटना, राज मिट कर दिखाया था, स्वामी सच्चिदानंद था प्यारा, सभी की आंख का तारा, जिया वे श्रेष्ठ कर्म करके, मर कर भी अमर हो गया, स्वामी सच्चिदानंद था प्यारा, सभी की आंख का तारा, सभी की आंख का तारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति सप्रा जी, बहुत सुंदर रौनक लगा दी आपने। स्वामी सच्चिदानंद जी को सबने अपने भाव से श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं देख रहा हूँ रजनी करक जी भी जुड़ चुके हैं, हापुड़ से अनंत प्रकाश आर्य जी भी जुड़ चुके हैं, हंसरा कॉलेज दिल्ली के प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर रमा शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत करते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता वैदेव विद्वान आर्य रविदेव गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा, स्वामी सच्चिदानंद व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपना उद्बोधन देंगे। बाकी भजन आपके बाद आज के अध्यक्ष रखेजा जी और सुंदर शास्त्री जी का स्वागत। आइए रविदेव जी। नमस्ते अनिल जी। नमस्ते जी। नमस्ते अनिल आर्य जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, बोलिए। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री रखेजा जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे मित्र सुरेंद्र शास्त्री जी, कार्यक्रम के संयोजक सदाबहार मेरे अनुज श्री अनिल आर्य जी, और इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी गणमान्य व्यक्ति जुड़े हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करके अपना वक्तव्य आरंभ करता हूँ। जैसा आपने स्वयं अभी विषय को स्पष्ट किया, आज स्वामी सच्चिदानंद को स्मरण कर रहे हैं हम, ये उनकी पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि को हम उनके, क्योंकि वो हुतात्मा हैं, बलिदान दिवस, तो हम उसको एक प्रेरणा दिवस के रूप में वर्षानुवर्ष स्मरण करते आ रहे हैं। हमको आज दो विषयों पे, दो बिंदुओं पे स्वामी सच्चिदानंद को स्मरण करना है, उनका व्यक्तित्व क्या था, उनका कृतित्व क्या था। मुझसे पहले तीन बहनों के मैंने भजन सुने हैं, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। रजनी जी ने एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है कि स्वामी दयानंद जिस प्रकार से श्री राम की अगर संज्ञा दें तो सच्चिदानंद उनके हनुमान के अनुरूप थे। बहुत सुंदर इन्होंने एक सिमली दी है। प्रतिभा जी ने विशेष रूप से अपने व्याख्यान में बल दिया कि कन्या शिक्षा के ऊपर में सच्चिदानंद जी का जितना बड़ा आग्रह और सहयोग है, संभवतः किसी भी सन्यासी का या किसी अन्य धर्म प्रचारक का मिलता नहीं है। दीप्ति जी ने बड़ा मार्मिक और बड़े सुंदर शब्दों में आँख का तारा सच्चिदानंद को स्मरण किया, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। जैसा अभी हमको एक पूर्व वक्ता ने भी बताया कि 1856 में इनका जलंधर में जन्म हुआ था, और जन्म भी एक ऐसे कुल में हुआ कि जो अपने उद्योग से बहुत एक साधारण सा परिवार था, लेकिन बहुत एक अच्छी प्रतिष्ठा की ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो साधारण से असाधारण जो बन गया, ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जिस समय इनका जन्म हुआ वो एक पुलिस के ऑफिसर थे, और जिस प्रकार के पुलिस ऑफिसरों का सामान्यतः चरित्र होता है उसी प्रकार का चरित्र उनका भी था, और पुत्र को भी लगभग वही सब गुण विरासत में मिले, और विरासत में ऐसे मिले कि सब प्रकार के जितने भी एक दुर्गुण हो सकते हैं, व्यसन हो सकते हैं, जिसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, अनुमान हम सब लगा सकते हैं, वो सब इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन बाद का जो इनका कालांतर में सारी जीवन
की दर्शन है, जीवन की जो शैली है, वो एक प्रकार से इस उक्ति को चरितार्थ करती है कि पंकज जो होता है वो पंख में से निकलता है। पंख का अर्थ होता है कीचड़, और जो कीचड़ में उत्पन्न होता है वो पंकज होता है, और फूल के भांति जो अपनी चारों ओर वो बिखेरता है, और पंकज का अर्थ है कमल। तो ये तो स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से ही पता लगता है कि पंख में भी पंकज खिलता है, और ये केवल किस कारण से संभव हुआ, ये केवल इस कारण से संभव हुआ कि कालांतर में किसी समय जिनका ये नाम जन्म का बृहस्पति था, ये महर्षि दयानंद के संपर्क में आए, कुछ प्रवचन सुने, मन में बड़ी शंकाएं हुई कि पता नहीं ये सन्यासी क्या बोलता है। इनके पिताजी ने यह भी प्रयास किया कि ये इस सन्यासी के व्याख्यान ना सुने, नहीं तो मालूम नहीं कहीं ये भी कुछ वीतराग हो गया या इसके दिमाग पर असर आ गया तो क्या होगा। लेकिन वो जो पहला प्रवचन उन्होंने सुना, और ऋषि दयानंद की जो भी उस समय वो रही होगी शैली, उसके बारे में हम सब जानते हैं कि इतनी आकर्षक शैली होती थी कि जो सुनता था वो सदैव के लिए उन्हीं का हो जाता था। और ये महर्षि ये स्वामी श्रद्धानंद भी उसके अपवाद भी उस समय तक ये वकालत करने लगे थे मुंशी राम के नाम। तो बृहस्पति से मुंशी राम, और फिर उसके बाद में वो महात्मा मुंशी राम, और ऋषि दयानंद के संपर्क में आने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि सारे दुर्गुणों से व्यसनों से तो मुक्त हुए ही, साथ में संन्यास भी ग्रहण किया। तो स्वामी श्रद्धानंद, और आज हम जिस स्वामी श्रद्धानंद को याद कर रहे हैं, हम उनको अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बोलते हैं। तो हमको ये समझ आता है कि इनकी यात्रा बृहस्पति से आरंभ होके हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद पे आके समाप्त हुई। महर्षि के जो इन्होंने सारे व्याख्यान सुने उसमें, और अगर श्रद्धानंद जी का हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तो महर्षि दयानंद ने तो दया करके सारी सृष्टि पे, मानव जाति पे एक इस प्रकार से वैदिक सिद्धांतों की, आर्य सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की कि उनको व्यवहार रूप में जो लाए वो स्वामी श्रद्धानंद लाए। तो एक की दया और उन दयानंद के ऊपर उपजी हुई महात्मा मुंशी राम की श्रद्धा, इन दोनों का ये जो मणिकांचन सहयोग है, जिसको हम पारस मणि के स्पर्श में कहते हैं, ये मणि से अगर कोई जुड़ता है पारस से तो वो कांचन बन जाता है। तो इस प्रकार से एक मणि कांचन, इस प्रकार का एक योग है कि महर्षि के संसर्ग से एक व्यक्ति जो बिल्कुल लोहे जैसा, बिल्कुल सब प्रकार से निष्कृष्ट था, वो स्वर्ण के रूप में निखर के आया। तो आज ऐसे व्यक्ति को बड़ी श्रद्धा से हम सब लोग स्मरण करते हैं, और केवल स्मरण ही नहीं करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण से हमको और समझ आता है कि जैसे हम आकाश के अंदर जो ज्योतिष पुंज देखते हैं, एक सूर्य है एक चंद्रमा है, उसी प्रकार से हमारी भारतीय सांस्कृतिक क्षितिज के अंदर में इसी प्रकार से दो ज्योतिष पुंज हैं, एक भगवान श्री राम है एक श्री कृष्ण। लेकिन हम अगर अपने आर्य जगत के ज्योतिष पुंजों की गणना करें तो सन्यासियों की श्रृंखला तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी है, लेकिन अगर बिल्कुल प्रमुख रूप से आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए तो दो ही सन्यासी सूर्य और चंद्रमा के सदृश हमारे हमारे दृष्टि पटल पे उभर के आते। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने स्वयं दयानंद को अमर कर दिया, दयानंद केवल 59 वर्ष की आयु प्राप्त कर सके, और स्वामी श्रद्धानंद इनको 70 वर्ष की आयु ईश्वर ने दी, पर इस 70 वर्ष की आयु के अंदर जितना उनका ये समय निकला परिवर्तन के बाद, जीवन की क्रांति के बाद, समझ लीजिए कि एक इस प्रकार से हुआ कि ऋषि दयानंद के जितने भी स्वप्न थे जो अपने मन में लेके चले गए होंगे, उन सबको संकल्प पूरा करने का संकल्प उन्हीं के मानस पुत्र स्वामी श्रद्धानंद ने पूरा करने का संकल्प। उनको यह अनुमान हुआ कि जितनी शिक्षाएं महर्षि ने दी हैं, इन शिक्षाओं को यदि अक्षुण्ण करना है और इनको अमर करना है, स्थायित्व देना है, तो इसके लिए एक ही तरीका है, जो हमारी वैदिक आर्ष गुरुकुल प्रणाली है उसको किसी भी प्रकार से पुनर्जीवित करना हो। महर्षि दयानंद ने भी अपने जीवन काल में कुछ इस प्रकार के विद्यालय खोलने का प्रयास किया, लेकिन उनके पास चूंकि अन्य व्यस्तताएं बहुत थी,
और जीवन की अवधि उनको बहुत थोड़ी मिली, तो वो उस विषय का संकेत तो कर गए, उस सिद्धांत की प्रतिष्ठा तो कर गए, लेकिन व्यवहार रूप में उसको परिणित करने का ईश्वर ने उनको अवसर नहीं दिया। और स्वामी श्रद्धानंद ने उसी स्वप्न को साकार करने का अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बना के उन्होंने सबसे पहला कार्य यही किया कि 1902 के अंदर में उनको इतना धन यथेष्ट प्राप्त हो गया बहुत पुरुषार्थ करके कि जिससे एक वो भूखंड खरीद सकें। उन्होंने उसके लिए जो जलंधर की उनकी अपनी जो पैतृक संपत्ति थी, एक अच्छी कोठी, उसको भी बेच दिया। और वो सब करने के बाद में उन्होंने जितना भी आवश्यक धन था उससे एक भूमि भूखंड लेके और हरिद्वार में और ज्वालापुर के निकट एक कांगड़ी गांव है उसके अंदर में गुरुकुल महाविद्यालय खोलने का एक बहुत बड़ा निश्चय, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। ब्रह्मचारी कहाँ से आए, तो स्वामी श्रद्धानंद ने इसके लिए आदर्श प्रस्तुत किया, अपने ही दो पुत्रों को सबसे पहले उसके अंदर में ब्रह्मचारी के रूप में भर्ती किया। 1902 में इसकी स्थापना हुई, लगभग 35 बालकों से ये आरंभ हुआ और आज तो एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हो गया है वो आर्यों के लिए, जिसके अंदर में सहस्रों की संख्या में स्नातक निरंतर निकलते आकर सारे पूरे विश्व के अंदर में वैदिक मान्यताओं का डंका बजा रहा है। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में बहुत से घटनाक्रम हुए। गुरुकुल की स्थापना की, गुरुकुल के अंदर स्वयं 18 वर्ष तक आचार्य भी रहे। आचार्य रहते रहते अनेक आचार्यों की श्रृंखला उत्पन्न की, फिर उनको ये लगा कि मैंने एक गुरुकुल की स्थापना की, एक मार्ग दिखा दिया मेरे लिए और मेरे कुछ शिष्य भी तैयार हो गए जो यहाँ पे आचार्यत्व ग्रहण कर रहे हैं, और अनेक स्नातक उन्हीं के उसी काल में निकल के उन्होंने किस प्रकार से सारे भारतवर्ष के अंदर में वैदिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार किया, उसको बहुत संतुष्टि का भाव था। और उनके मन में ये था कि मुझे अभी देश के लिए कुछ और भी करना है। तो जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक कार्य के साथ बंध के नहीं रहते, तो उन्होंने गुरुकुल को छोड़ना स्वीकार किया। और गुरुकुल को छोड़ के सबसे पहला कार्य जो किया उन्होंने, उस समय की जो देश की राजनीति थी, उन्हीं दिनों जलियांवाला कांड हो चुका था और इतना भयानक आतंक था उस समय अंग्रेजी शासन का कि कोई भी व्यक्ति उस जलियांवाला कांड की निंदा करने का भी साहस नहीं संजो पाता था। जलंधर के थे ये, उस पंजाब के सारे क्षेत्र से परिचित थे, पर जीन जैसा एक निर्भीक व्यक्ति, इसको इनको लगा कि नहीं, इसकी बहुत कठोर शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने निश्चय करके अमृतसर में एक ऐसा अधिवेशन किया जिसके बारे में किसी को भी कल्पना नहीं थी। और उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, जो प्रमुख राजनीतिक दल था स्वतंत्रता के लिए लड़ता था, उनको भी आश्चर्य हुआ कि इतनी भयंकर परिस्थितियों में, इतने प्रतिबंधों के बावजूद, इतनी बड़ी संख्या में किसी संख्या को जुटा के कार्यक्रम करना और उस कार्यक्रम के अंदर में इतना निर्भीक भाव से अंग्रेजों को चुनौती देना और उनके उन कृत्यों की निंदा करना, ये निर्भीक साहसी ये सन्यासी कौन है। उस सन्यासी को कांग्रेस ने बहुत सादर अपने कांग्रेस के अपने अंदर भर्ती होने का आमंत्रण दिया। अब कोई भी व्यक्ति जब सामान्यतः सन्यासी होता है तो वो राजनीति से कोई ज्यादा सरोकार नहीं रखता, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद एक अलग मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने सोचा कि मैंने जो सन्यास लिया है तो मैं सारे विश्व का सन्यासी हो गया हूँ। सन्यास का अर्थ यही होता है, और इसीलिए सन्यासी को स्वामी कहा जाता। स्वामी का अर्थ यह है कि उसने अपना घर बार तो छोड़ दिया, उसके पास जो उसने वस्त्र पहने हैं केवल वो और एक कमंडल, उसके अतिरिक्त उसके पास में कोई संपत्ति भी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी दुनिया उसको स्वामी बोलती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने एक अपना घर बंद किया तो उसके लिए लाखों घर खुल जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति केवल विश्व के कल्याण का अगर चिंतन करे तो उसका एक अभूतपूर्व आदर्श हमको सन्यासी से राजनेता बनने वाला एक परिवर्तन जो दिखता है वो स्वामी श्रद्धानंद के रूप में दिखता है। और कांग्रेस के अंदर में जिस प्रकार की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ, एक कालांतर में परिस्थिति ऐसी आई कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए।
गुरुकुल प्रणाली की जिसकी उन्होंने स्थापना की, इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करके हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गुरुकुल जो प्रणाली उस समय आरंभ की, उस समय तक केवल अंग्रेजों ने भारतीय सारे गुरुकुलों को समाप्त कर दिया और लगभग संस्कृत को भी एक ऐसी भाषा कर दिया जिसका किसी प्रकार से अब कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई। और स्थिति ये हो गई कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने का एक ऐसा दुष्प्रचार उन्होंने आरंभ किया और मैकाले ने जिस प्रकार की योजनाएं की, तो भारत का जो जनमानस है वो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए केवल बाध्य नहीं, अपना उसके मन में उनके एक बहुत बड़ा आकर्षण और आग्रह भी हो। और स्थिति ये हो गई कि अगर किसी को शिक्षा प्राप्त करनी है तो फिर वो केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही कर सकता है, अन्यथा उसके लिए शिक्षा में उन्नति के कोई साधन नहीं है, उन्नति के कोई अवसर नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद ने पहली बार एक ऐसा अभिनव प्रयोग किया और राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की एक ऐसी नींव डाली कि उस समय के जितने तात्कालिक विश्वविद्यालय थे उन सारे विश्वविद्यालयों को एक ऐसी चुनौती दी कि हम अपनी राष्ट्रभाषा के अंदर भी किस प्रकार से सारे विषयों को पढ़ा सकते हैं। और केवल पढ़ा ही नहीं सकते हैं, इतने उद्भट विद्वान वहां से उत्पन्न कर सकते हैं कि जो समाज के किसी भी क्षेत्र में सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। एक इस प्रकार की पहली चुनौती अगर अंग्रेजी शासन को उन्हीं के शासन काल में दी शिक्षा के माध्यम से, तो वो पहला व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद है जिन्होंने उनको बताया कि राष्ट्रभाषा में भी शिक्षा हो सकती है। तो एक प्रकार से ये जो धारा थी उस धारा को मोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास, और उसके लिए कभी उस समय के तत्कालीन लोगों ने किसी ने एक छोटी सी टिप्पणी भी की। रविन्द्रनाथ टैगोर उनको गुरुदेव के नाम से जानते हैं, बड़े सुंदर कवि भी थे, वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे और उनका जो शांति निकेतन था उसमें वहाँ के जो उनके विद्यार्थी होते तो वो बड़ी कविताओं का पाठ भी करते थे। तो उसी समय के किसी एक महापुरुष ने इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक छोटा सा वाक्य बोला जो हम आर्यजनों के लिए तो एक प्रकार का आदर्श वाक्य है। उन्होंने कहा गुरुदेव के आश्रम में तो कविता गाई जाती है और स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल में ये कविताएं जी जाती हैं। उन कविताओं को जीने वाले ब्रह्मचारी इन गुरुकुलों के अंदर महर्षि श्रद्धानंद ने निर्माण किए हैं। ये एक तुलनात्मक जो टिप्पणी मिलती है ये हमारे लिए इससे बड़ी कोई और मुझे लगता है प्रामाणिकता नहीं हो सकती। उन्नति को निरंतर प्राप्त हुआ गुरुकुल, तो स्थिति ये हो गई कि उनके पास में ना कोई सरकारी सहायता ना कोई सरकारी मान्यता, पर उसके बावजूद भी उन्नति हो रही है। तो जिस प्रकार का शंकालु स्वभाव था अंग्रेजों का और हमारे उस समय के बहुत से लोग जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजी प्रशासन के मन में एक इस प्रकार की भी शंका उत्पन्न हो गई कि मालूम नहीं ये बिना किसी सहायता के भी ये गुरुकुल ऐसे उन्नति को कैसे प्राप्त हो रहा है, इसके आर्थिक साधन क्या है, इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत खतरनाक स्थान के रूप में संज्ञा दी, उसकी चारों तरफ से पहरेदारी होने लगी और ये माना जाने लगा कि यहाँ पे षड्यंत्रकारियों को आश्रय दिया जाता है और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर ब्रह्मचारी हैं इनको भी आतंक की शिक्षा दी जाती है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। और उसके बहुत से भयंकर परिणाम हुए, बड़ी परेशानियां आई। स्वामी श्रद्धानंद को अनेकों बार इसका स्पष्टीकरण देना पड़ा। उनको किसी ने पूछा भी वायसराय ने बुला के कि भाई आपके गुरुकुल में क्या बनता है, हमने सुना है कि आपके यहाँ पे कारखाने के अंदर में बहुत कुछ वहाँ पे आतंकवाद फलता है। तो उन्होंने बड़े निर्भीकता से उत्तर दिया, उन्होंने कहा महाराज मेरे तो आश्रम के अंदर में बम बनते हैं और अगर है तो आप अपने निरीक्षक को भेजिए और वो आके उनका जांच पड़ताल करे और फिर जो दोषी पाया जाए आप उसको जितना भी दंड देना चाहे वो हमको दंड दें, लेकिन मैं आपको अपने बमों से परिचय कराऊंगा। और निरीक्षक आया, उसने सारे में देखा, फिर पूछा उससे अरे स्वामी जी आप तो कह रहे हो मेरे यहाँ बम बनते हैं, उसने कहा देखे नहीं मेरे जितने ब्रह्मचारी हैं, ये एक प्रकार से हिंदू समाज के अस्मिता के लड़ने वाले ये बम हैं और तुमको कैसे बम की आवश्यकता है। अगर इतना निर्भीक उत्तर, इतना स्पष्टवादिता अगर हमको याद रखनी है तो बंधुओं स्वामी श्रद्धानंद के अतिरिक्त हमको कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति देखने के लिए न मिलेगा न मिलता है और सामान्यतः आगे मिलना भी इतना सरल नहीं है, जो चलती हुई धारा के प्रतिकूल चल के इतनी निर्भीकता से उस गुलामी के काल में भी अंग्रेजी शासन को प्रतिवाद कर सके, चुनौती दे।
उनका ये मत था कि मैं जो भी ये जो शास्त्रार्थ की परंपरा है ये एक हम उनको गुणात्मक तुलनात्मक अध्ययन के लिए मैं आप लोगों के संज्ञान में ला रहा हूं। उनका ये मत था कि किसी भी प्रकार से ये जो शास्त्रार्थ है ये कहीं ना कहीं हमारे वास्तविक धर्म प्रचार में एक बाधा उत्पन्न होता, और अगर इस प्रकार की बाधा होती है तो उनका एक दृष्टिकोण था, उन्होंने कहा मैं अपने उपदेशकों को खंडनात्मक उपदेश देने के लिए आग्रह नहीं करूंगा, उनको मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि वेदों के जो मूल सिद्धांत हैं उनके ऊपर आग्रह कीजिए। और ये आज की वास्तविक जो हमारी आज की देश की परिस्थितियां हैं, हम सबको भी बंधुओं ये बड़ी गंभीरता से समझना है कि स्वामी श्रद्धानंद ने महर्षि दयानंद के मंतव्य को किस प्रकार से उसके मर्म को समझ के शिक्षा प्रणाली को किस रूप में देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा हमारी जो शैली है ये मंडनात्मक होनी चाहिए, खंडनात्मक नहीं, और आज भी समाज के अंदर इसी की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा कहीं मुझको लगता है कि ये कठिन है कि हमारे आर्य समाजियों का, विशेष रूप से हमारे जितने भी मेरी पीढ़ी के पुराने लोग हैं, क्योंकि हम इतने अपने मत के आग्रही और प्रबल होते हैं कि कई बार बड़े व्यवहार में बड़े कठोर हो जाते हैं। और कठोर का होने का कारण क्या होता है कि समाज के व्यक्ति तो हमसे छिटकते ही हैं, हमारे परिवार के भी, हमारे ही संतान हैं, हमारे ही बच्चे, वो भी हमसे प्रायः छिटकने लगते हैं। हमको ऋषि दयानंद के जीवन से ये सीखना है और स्वामी श्रद्धानंद के इस स्थापित आदर्श से ये सीखना है कि हमको सिद्धांत में कठोर और व्यवहार में बड़ा मृदु होना चाहिए। और अगर जब तक हमारे जीवन में ये व्यवहार में मृदुता नहीं होगी बंधुओं, हम किसी को अपने निकट आकर्षित नहीं कर पाएंगे, और अगर आकर्षित नहीं कर पाएंगे तो हम उसको किसी भी प्रकार से मान्यता का प्रचार और प्रसार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रचार होता है वो अपने ही समान मत के लोगों के बीच में होता है, और जो प्रसार होता है जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं वो केवल उन लोगों में संभव होता है, जैसा ऋषि दयानंद ने, ऋषि दयानंद के जीवन में काल में तो एक भी आर्य समाजी नहीं था और उन्होंने लाखों आर्य समाजी पैदा कर दिए। वो प्रसार था किन लोगों में, उन्हीं पौराणिकों में जिन पौराणिकों के साथ में उन्होंने ये सारे अपने व्याख्यानों को उपदेश के रूप में दिया। तो मेरा ये भी बड़ा विनम्र आप सभी से अनुरोध है कि ऋषि दयानंद को स्मरण करते हुए, स्वामी श्रद्धानंद के आदर्शों को स्मरण करते हुए, हम अपनी शैली को किस प्रकार से मृदु बना सकें। यदि हम इस प्रकार की करते हैं तो हमारी ये पुण्य तिथियों को मनाने की सार्थकता होती है। उन्होंने ये कहा कि जितने भी स्वाभाविक मेरे स्नातक हैं, इन स्नातकों के अंदर में उदारता भी होनी चाहिए, सहिष्णुता भी होनी चाहिए, और राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी होनी चाहिए। और इस राष्ट्रीयता के उदाहरण में आपको तीन ऐसे उदाहरण देता हूँ जो बहुत ही प्रासंगिक है, सामान्यतः हम लोग नहीं जानते हैं। गुरुकुल के जितने ब्रह्मचारी थे बहुत साधारण साधनों के ऊपर पलते थे। 1907 के 1902 में स्थापित हुआ ये, 1907 के अंदर गढ़वाल में एक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष आया। उस दुर्भिक्ष के अंदर में, क्योंकि ये तो सब अंग्रेजों की इस प्रकार की षड्यंत्रकारी योजनाएं थी, कभी देश के किसी हिस्से में कभी किसी देश हिस्से में दुर्भिक्ष पड़ते थे। गढ़वाल में जो भयंकर दुर्भिक्ष हुआ, सरकारी सहायताएं नगण्य थी, उस समय गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने अपने दूध को पीना बंद करके, अपने भोजन के अंदर कटौती करके 1907 के अंदर गढ़वाल के दुर्भिक्ष में उन पीड़ितों की सहायता के लिए राशि भेजी। उसके बाद में गुजरात में दुर्भिक्ष पड़ा 1908 में, उसके अंदर भी उसी प्रकार से ब्रह्मचारियों ने आचरण किया। और इसके बाद में एक बहुत बड़ा निर्णायक जो मोड़ आया, जिसको आज हम सबको स्मरण करना चाहिए, 1913 और 14 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के अंदर भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उनके प्रतिनिधि के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले भारत के अंदर उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर साधनों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे। जब स्वामी श्रद्धानंद को इस बात का पता लगा कि एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उस समय का ये इतिहास बताता है कि उस समय फिर गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने अपने भोजन में कमी करके, उससे कितनी राशि इकट्ठी हो सकती थी, इतना ही नहीं किया, उन्होंने वहां का जो दूधिया बांध है हरिद्वार में एक, उसके ऊपर में ठिठुरती सर्दी में बहुत कठोर मजदूरी की उन्होंने, जितना उनके पास समय बचता था, और विद्यार्थियों ने अपने भोजन की कटौती करके और मजदूरी करके कुछ धनराशि इकट्ठी करके गोपाल कृष्ण गोखले को स्वामी जी ने दी,
कि आप उन व्यक्ति को भेजिए जो मोहनदास करमचंद आप बोल रहे हैं वहां पर हैं दक्षिणी अफ्रीका में। जब गोखले जी ने उनको भेजी है गांधी जी को, तो गांधी जी के हृदय में एक ऐसा अपूर्व श्रद्धा इस व्यक्ति के प्रति जगी, कभी भी भारत जाऊंगा तो सबसे पहले इस व्यक्ति के दर्शन करूंगा, तब मेरे को ये पता लगेगा कि किस प्रकार से हिंदू समाज के लिए समर्पित कार्यकर्ता कैसे निर्माण होते हैं। और यही कारण था कि महात्मा गांधी की और स्वामी श्रद्धानंद की आपस में एक बहुत ही अच्छे मधुरता के संबंध स्थापित हुए। ये मैंने केवल इसलिए बताया कि इन चीजों की सामान्यता हम लोग चर्चा नहीं करते, हमारे संज्ञान में नहीं होता। तो उसके बाद में क्या थी, उन्होंने जो अपना स्नातकोत्तर वहां पे जब 18 वर्ष बाद गुरुकुल को छोड़ा, तो एक दीक्षांत भाषण में सबसे पहले एक बड़ा मार्मिक वाक्य बोला। उन्होंने कहा देखो, इस गुरुकुल रूपी वृक्ष के पहले फल हो आप लोग, अपने स्नातकों को कह रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद, और इसलिए सारा जो सभ्य संसार है वो बड़ी आशा से तुम लोगों की ओर निहार रहा। मैं भी एक तुम्हारे शिक्षक होने के नाते जो संस्कार देने का मैंने प्रयास किया, उन किस प्रकार से संस्कारों को तुम समाज के अंदर में आगे अपने व्यवहार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाओगे, क्योंकि एक शिक्षा होती है एक आचार होता है, तो शिक्षा तो मैंने दी है लेकिन अपने आचार और व्यवहार से तुम अपने आचार्य के सिद्धांतों को प्रचारित और प्रसारित कर पाओगे, इसलिए मेरी भी बड़ी अपेक्षा है। तो मेरे पुत्रों, सारे सभ्य संसार जब तुम्हारी तरफ बंधुओं, इस प्रकार का गुरुकुल का उनका जो जीवन रहा उसका हमने छोटा सा एक वो देखा। अब मैं उनके जीवन की कुछ दो घटनाक्रम और बता के चाहूंगा कि मैं अपनी वाणी को जितनी शीघ्र हो सके विराम दे सकूं। उन्होंने कांग्रेस के अंदर में जब कांग्रेस में प्रचार उन्होंने आरंभ किया तो कांग्रेस में बहुत सम्मान मिला। महर्षि दयानंद महर्षि उनका महात्मा गांधी का भी उनके प्रति बड़ा सम्मान था। महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए तो वो गुरुकुल के अंदर में बिना किसी सूचना दिए उनको मिलने भी गए। वहां से जब वो महात्मा गांधी इनको किसी भी प्रकार से पत्र लिखते थे तो इनको महात्मा श्रद्धानंद बोलते थे। महात्मा गांधी ने इनको महात्मा की उपाधि दी स्वतः अपनी श्रद्धा से। और शिष्टाचार वर्ष जब मोहनदास करमचंद गांधी गुरुकुल में पधारे तो एक आचार्य होने के नाते स्वामी श्रद्धानंद ने उनको महात्मा की उपाधि दी शिष्टाचार के नाते, सम्मान के नाते। तो जरा सा देखिए कैसा सम्मान और श्रद्धा का ये आपस में संयोजन है कि दोनों व्यक्ति, एक ऐसा महात्मा जो महात्मा गांधी के नाम से प्रचारित हुआ, इसलिए बहुत लोग ये बोलते हैं कि किसने दिया गांधी जी को नाम महात्मा। हम सबको आर्यों को गर्व होना चाहिए कि ये आर्य गुरुकुल की हुई एक मानद उपाधि है जिसको जीवन भर महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंदर में एक सुरक्षा कवच के रूप में और एक प्रमाणिक उसके रूप में आवरण के रूप में ओढ़ा। तो ये गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाला ये आर्य जगत है, ये गर्व का विषय हम लोगों के। इसके बाद ये आया जब कांग्रेस में उन्होंने देखा कि किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, धीरे धीरे उनको सब समझ में आने लगा। उनको ये समझ में आने लगा कि कांग्रेस के अंदर में हमारे राजनेता जितने भी हैं इनके अंदर में राष्ट्रीयता तो है लेकिन जब बात धर्म की आती है तो ये धर्म भीरू भी हैं। धर्म भीरू इतनी है कि ये कायरता की श्रेणी में आते हैं। जब विषय आता है हिंदू और मुसलमान का तो इनकी जबान लड़खड़ाने लगती है और इतनी लड़खड़ाने लगती है कि महात्मा गांधी का तो बाद का इतने बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं और उन्हीं के जो साथ में उनके शिष्य रूप में पंडित नेहरू थे उनके लिए मुझे आज चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, मेरा विषय का नहीं है वो। लेकिन धीरे धीरे स्वामी श्रद्धानंद को समझ में आ गया कि इस कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से इस देश के अंदर में स्वराज्य जो स्थापित करना है वो हिंदुओं के लिए कल्याणकारी होने वाला नहीं, क्योंकि हर बात में उनको तुष्टिकरण की बू आने लगी। और तुष्टिकरण की बू आते आते उनको लगा कि मुसलमानों को किस प्रकार से ये आगे बढ़ा रहे हैं, और बार बार उनको खिलाफत आंदोलन के अंदर उन्होंने देखा किस प्रकार से इनका आचरण था, तो ऐसा मोहभंग हुआ कि उन्होंने मोहभंग होने के कारण में वहां से त्याग पत्र देने के अपना जो है मन बना लिया। उससे पहले चांदनी चौक में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां पे दलित ये जो था एक बहुत बड़ा प्रतिबंध लगाया गया 144, और वहां पे गोरखा सैनिकों की अंग्रेजों के उसमें नेतृत्व में वो आई कि उन्होंने कहा एक भी अगर ये आगे बढ़ा तो हम यहाँ पर गोलियों से सबको भून देंगे।
उसकी चर्चा हम सामान्यता उनके जब भी जीवन चरित्र को पढ़ते हैं कि मैं स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसा निर्भीक सन्यासी था कि उस सन्यासी ने उस सारे जुलूस का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले उस संगीनों के सामने बोला कि सबसे पहले पहली गोली आप मेरे छाती में मारी। इस एक वाक्य ने, क्योंकि उस भीड़ के अंदर में हिंदू और मुसलमान सभी सम्मिलित थे, इस एक वाक्य ने और उनकी निर्भीकता ने उस समय का जो अंग्रेजी अफसर था उसको तो निस्तेज किया ही किया। और कहते हैं कि गोरखों की संगी ने झुकाने का उसने आदेश दिया, एक भी गोली नहीं चली, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद उस एक छोटे से कार्य के कारण जो निर्भीकता का था पूरे राष्ट्र के एक नेता बन गए। और चूंकि वो सम्मिलित भीड़ थी इसलिए वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए समान रूप से प्रिय हो। और जैसा एक अभी बहन ने भी बताया कि चांदनी चौक में ही जो फतेहपुरी मस्जिद है, ये पहली बार ये घटना हुई है, ना भूतों ना भविष्य थी, कि खुद वहां पे हकीम अजमल खां थे और डॉक्टर अंसारी थे, वो इनके घनिष्ठ मित्र बन गए और उन्होंने कहा उनको कि आप हमारी फतेहपुरी मस्जिद में आके एक बार मुसलमानों के बीच में तकरीर कीजिए और जो उनकी वेदी होती है जिसको हम अपने यहाँ व्यासपीठ बोलते हैं उसको वो लोग मिंबर बोलते हैं, उस मिंबर से इस निर्भीक सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद ने हम सारे मुस्लिम समाज को वहां संबोधित किया। ये घटनाएं साधारण घटनाएं नहीं है बंधुओं, इतिहास के पन्नों में इनको एक साधारण घटनाओं के रूप में लिखा जाता होगा, लेकिन हम आर्य बंधुओं के हृदय पटल पर स्वर्णाक्षरों से लिखे जाने वाली ये घटनाएं हैं जिनकी मैंने अभी तक चर्चा की। लेकिन धीरे धीरे उनको ये लगा कि ये सब हो क्या रहा है, उन्होंने कहा इतना जाति धर्म परिवर्तन हो रहा है और फिर इन्हीं लोगों की शह से हो रहा है। महात्मा गांधी की शह से तो बहुत से ऐसे कांड हुए, मोपला कांड हम जानते हैं और भी अनेकों कांड हुए, उन सब कांडों से उनको ये लगा कि एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वो अन्याय उनको कैसा लगा जिस पर सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता, पर स्वामी श्रद्धानंद ने उसको अध्ययन किया। उन्होंने कहा ये लोग जो मुसलमान हैं और ईसाई हैं ये बहुत से गरीब हिंदुओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देके या अन्य कुछ करके इनको ईसाई तो बना लेते हैं, और ये आज भी हम इस बात को जानते हैं लेकिन इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने कहा ये ईसाई बनाने के बाद भी वो व्यक्ति फिर भी वो दलित ही रहता है और स्थिति ये रहती है कि उसकी ईसाई समाज के अंदर भी या मुस्लिम समाज के अंदर भी नंबर एक की वो नहीं होती है, उसकी दोयम दर्जे की वहां पर उसकी गणना होती है। तो एक व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया और परिवर्तन करने के बाद भी वो हिंदू समाज में दलित था, वहां जाके भी वो दलित ही कहलाता है, तो उसका सामाजिक प्रतिष्ठा क्या बढ़ी? धर्म उसने परिवर्तन किया, उसको समाज के रूप में सम्मान के रूप में मिला क्या? तो मजहब तो थोप दिया लेकिन उसकी जाति जो थी वो जाति उसी की वैसी रह गई, वो वैसे ही गिना जाने लगा। मुसलमानों में भी सैकड़ों जातियां हैं, बताया जाता है कौन क्या है, वहां पे भी सब जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे अनुसूचित जातियां हैं वहां पे वो अनुसूचित जातियां तो उनको नहीं कहते लेकिन उनके यहाँ भी उतने ही वर्ग विभेद है। ईसाइयों के अंदर में भी ये स्थिति है, जो भारत के लोग ईसाई बनते हैं और जो मूल ईसाई हैं उनके और आपस में कभी किसी प्रकार के संबंध नहीं होते, और ये तो आज भी स्थिति है। हमारे यहाँ भी जो आज भी एंग्लो इंडियन है कितने भी शिक्षित हो गए हो उनको जो मूल गोरे हैं वो कभी भी उनको अपने तुल्य और अपने निकट व्यक्ति नहीं मानते। तो मैं स्वामी श्रद्धानंद ने पहली बार ये सोचा कि ये लोग धर्म तो इनका छीन लेते हैं लेकिन इनकी तरक्की करना और समाज में इनको प्रतिष्ठा दिलाना इसके बारे में इनका कोई आग्रह नहीं। तो आग्रह क्या है? केवल अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नंबर बढ़ाना जिससे कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जाए, और इसके पीछे क्या है? वो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण की, जितना हमारा यहाँ बहुसंख्यक समाज होगा राजनीति में उतना हमारा ज्यादा महत्व होगा। और आज तो भयंकर परिस्थिति हमारे देश में हो गई है, अब तो ये स्थिति हो गई है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाने के माध्यम से इस देश के ऊपर पुनः वो शासक होने का एक स्वप्न भी पालने लगे, और स्वामी श्रद्धानंद ने इस बात को उसी समय किया। तो उन्होंने कहा ये केवल दलित उद्धार करने से नहीं होगा, मुझे जातीय जो वो है ये विदेश विभेद इसके बारे में भी संघर्ष करना होगा। तो उन्होंने दलित उद्धार के लिए जितना भी कार्य किया उस कार्य को करने के बाद में उन्होंने दो चीजों को लिया अपना जीवन लक्ष्य बना दिया, और जितना उन्होंने दलित उद्धार का कार्य पंजाब के अंदर सबसे पहले करना आरंभ किया, और पंजाब में करने का एक छोटा सा मैं आप लोगों को उदाहरण बता रहा हूँ, जो मेरे बहुत से बंधु हैं जो पंजाब से जुड़े हुए होंगे, पंजाब के अंदर में कुछ ऐसी जातियां थी जिनको डोम बोलते थे, उनको मेघ बोलते थे,
ओड़ो और बटवाल और रहतिये, ऐसी ऐसी जातियां, कुछ मलखाने थे तो राजपुताने के और पंजाब के, इन सबको जिन प्रकार से हम लोगों ने अपने अछूत बना के रखा हुआ था, इन सब के बीच में इन्होंने उनको समान अधिकार दिलाने के जो प्रयास किए, तो स्वामी श्रद्धानंद को और उनके अनुयायियों को कितनी कठिनाइयों का परिणाम, कितना संघर्ष झेलना पड़ा, इसके लिए कभी आर्य जगत के इतिहास को पढ़िए। लोगों ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया केवल उनको समानता के अधिकार दिलाने के प्रयास। और एक बार की जो प्रमाणिक घटना है कि कम से कम 2 लाख 2.5 लाख मलखाने राजपूतों को एक साथ इन्होंने हिंदू धर्म में घर वापसी कराई, तो एक व्यक्ति जिसने अछूत उद्धार का आंदोलन इस देश के अंदर आरंभ किया, हमारे यहाँ राजनीति का एक षड्यंत्र हुआ है कि हमने केवल डॉक्टर अंबेडकर को इसका श्रेय दिया, क्योंकि उस समय की कांग्रेसी व्यवस्था ने और किसी को इसके बारे में एक्नॉलेज नहीं किया। और जब कांग्रेस से त्याग पत्र श्रद्धानंद जी ने दे दिया तो कितने भी महात्मा गांधी उनके प्रशंसक रहे हों, बाद में उनके निंदक हो गए, और निंदक इस सीमा तक हो गए कि बाद में कभी भी किसी प्रकार से कोई भी इनके विचार, इनके विरुद्ध प्रचार हुए तो महात्मा गांधी ने हमेशा स्वामी श्रद्धानंद को ही दोषी ठहराने का प्रयास किया। 2 लाख जब राजपूत मलखाने उन्होंने जो वापिस उसमें राजपूती उसमें ले आए, तो इतना बड़ा बवंडल मचा कि देश के अंदर में एक बहुत बड़ी और कांग्रेस के अंदर तो असंतोष की लहर ठहर गई कि ये क्या कर रहा है ये स्वामी श्रद्धानंद, ये तो हिंदू और मुसलमानों के अंदर में बैर पैदा कर रहा है। और उस बैर पैदा करने का महर्षि उन्होंने महात्मा गांधी ने अपना जो उनका वो पत्र निकलता था दैनिक हरिजन जो था, उसके अंदर में कितनी अनेकों निंदा वाणी टिप्पणियां स्वामी सिद्धानंद के विरुद्ध लिखी। परिणाम क्या हुआ, एक छोटी सी घटना जो है उस घटना ने एक बहुत बड़े विस्फोट को जन्म दिया। एक कोई बहन थी असगरी बेगम, जब स्वामी जी शुद्धि का कार्य कर रहे थे, क्योंकि शुद्धि आंदोलन के पहले प्रणेता, घर वापसी के अगर प्रणेता है तो स्वामी सिद्धानंद है, उन्होंने रास्ता दिखाया कि किस प्रकार से सम्मानजनक तरीके से हम अपने भटके हुए बंधुओं को घर ला सकते हैं। हम उनका धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, हम उनको वापिस उनके मूल रूप में ला रहे हैं, तो ये धर्मांतरण नहीं है, ये घर वापसी है। जैसे कोई भूला भटका अपने घर पहुंच जाए शाम को, ये पहली बार स्वामी श्रद्धानंद ने बताया। और जब उन्होंने उस असगरी बेगम की शुद्धि कर दी परिवार सहित, तो परिणाम ये हुआ कि एक वो अब्दुल रशीद करके कोई व्यक्ति था और मुसलमानों में उस समय आक्रोश भयंकर था, तो 23 दिसंबर 1926 को जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने 70 वर्ष की आयु पूरी की, उसने धोखे से आके उसी के अंदर में जहां वो रहते थे, जो आज नए बांस के अंदर में हम श्रद्धानंद भवन के रूप में जानते हैं, इनके दर्शनों के लिए बहाने से आया, पानी मांगा, इनके सेवक को बाहर भेज के धोखे से उनको गोलियों का छलनी की शिकार कर दी। दुख किस बात का है, महात्मा गांधी ने उस अब्दुल रशीद को कहा कि ये मेरा भाई है, और स्वामी श्रद्धानंद ने जो कुछ किया इसके लिए दोषी स्वामी श्रद्धानंद स्वयं थे, क्योंकि उन्होंने इस देश के अंदर में हिंदू मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा करने का एक बहुत बड़ा कार्य किया। तो हम लोग जरा आग उस समय की गणना करें कि स्वामी श्रद्धानंद ने उस कांग्रेस के अंदर में जितने काल भी रहे होंगे, कितनी भयंकर परिस्थितियों में राजनीति को भी दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उस कांग्रेस को छोड़ना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति ने राजनीति की शिखरों को छुआ हो, कांग्रेस का अध्यक्ष तक बना हो, और ये पहला उदाहरण नहीं है, कांग्रेस के अंदर अनेकों अध्यक्ष बने हैं, सुभाष बोस भी अध्यक्ष बने थे छुड़वा दिए गए, पट्टाभी सीतारामैया भी चुने गए थे वो भी छुड़वा दिए गए, प्रधानमंत्री के लिए सरदार पटेल का चयन हुआ उनको भी अवसर नहीं दिया गया। तो कांग्रेस के अंदर इतने अवसर भरे पड़े हैं कि उसके अंदर में केवल एक गुरु और शिष्य की ऐसी टोली थी कि जो कुछ भी होना था गुरु बटोरता था और शिष्य को देता था। आज मेरा वो विषय नहीं है, मैंने केवल संकेत रूप में बताया। तो मेरा ये कहना है कि एक इस प्रकार की परिस्थिति हमारे यहाँ जो ये शुद्धि की आई है, इसकी परंपरा अगर आरंभ हुई है तो स्वामी श्रद्धानंद ने की है, जातीय सुधार की अगर उन्होंने की है तो उसी की बात उन्होंने की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो लोग हमारे घर वापसी करके आते हैं उनको किस प्रकार से वापिस हिंदू समाज के अंदर प्रतिष्ठा मिले, रोटी रोजी रोटी का और बेटी रोटी का व्यवहार किस प्रकार से स्थापित हो, उसके लिए उन्होंने कहा अगर एक मार्ग है तो केवल गुरुकुल मार्ग है। गुरुकुल के अंदर हम आर्य जब किसी को बनाते हैं,
तो वो जाति को नहीं मानता है, और सारा जितना बाकी अन्य हमारा समाज है हिंदुओं का, जो विशेष करके पौराणिक समाज है, वो कितना भी शिक्षित हो जाए लेकिन वो जाति प्रथा को किसी हालत में नहीं छोड़ता है। और इसीलिए स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुलों की स्थापना करके एक ऐसी श्रृंखला निर्माण करने का प्रयास किया कि जिसके अंदर में युवक इस जाति परंपरा की सारी जितनी वर्जनाएं हैं और विडंबनाएं हैं उनको छोड़ के समाज के अंदर में जाति विहीन समाज का एक नेतृत्व कर सके। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कभी भी इस देश के अंदर में जातीयता का उन्मूलन होगा और हिंदुत्व का सम्मान होगा तो केवल गुरुकुल परंपरा से होगा। तो गुरुकुल जो है यही जातीय दंश का समाधान है, इस बात को उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि दलितों को मैंने स्नातक, पता नहीं कितने दलित उनके स्नातक बने और अंततः पुरोहित तक बन के प्रतिष्ठित हुए हैं। तो उन्होंने जो ये कार्य किया है इसको हम लोग स्मरण करें। दो तीन बात कह के मैं बात पूरी करूंगा। हमारे देश के लोगों ने तो जो कुछ भी उनके साथ किया उसको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन विदेश के भी कुछ लोगों की उक्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सेडलर करके एक बहुत बड़े अंग्रेज हुए हैं जो उस समय बड़े विचारक माने जाते हैं। उन्होंने कहा भारत एक ऐसा विचित्र देश है कि जहां में वहां के हिंदू स्वयं अंग्रेजी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ा के बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा ये इतनी अंग्रेजी जो गुलामी की मानसिकता है, ये मैंने अंग्रेजों के अधीन जितने भी अन्य देश देखे हैं उन देशों में नहीं देखी है, अगर देखी है तो भारत में देखी है, जो बड़े विचित्र है। तो लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जिसने इस अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रणाली को चुनौती सफलतापूर्वक दी है वो स्वामी श्रद्धानंद है, इसलिए मैं उसको सच्चा इस देश का राष्ट्रीय मानता हूँ। ये सेडलर बोल रहे हैं, एक अंग्रेज विचारक जो निष्पक्ष रूप से अपनी वो टिप्पणी दे रहे हैं। एक उनके और थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं टिप्पणी इन दो व्यक्तियों की क्यों दे रहा हूँ कि ये मैकडोनाल्ड बाद में प्रधानमंत्री बने इंग्लैंड के, उनका आकलन क्या था। उन्होंने कहा ये स्वामी श्रद्धानंद जो है ये एक प्रकार से एक लिविंग जीसस है। ईसा मसीह को अगर देखना है तो जीते रूप में देखना है तो स्वामी श्रद्धानंद को देखो। और अगर कोई मुझसे कहे कि भाई सेंट पीटर की मुझे मूर्ति बनानी है तो उसका चित्र कहाँ से लाऊं, तो मैं उसको ये सलाह दूंगा कि जाओ भारत के अंदर में स्वामी श्रद्धानंद को देखो और जो उनका चित्र है वही सेंट पीटर का चित्र है। अगर मूर्ति बनाओ तो उस मूर्ति उनके उनके चेहरे से बनाओ। क्या इससे बड़ी कोई और कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा प्रशंसनीय टिप्पणी कर सकता है। बंधुओं दुर्भाग्य यह है कि इतनी गंभीर और आदर्श टिप्पणियां ये किसी भारत के नेता ने नहीं की। शिष्टाचार के नाते गांधी जी और नेहरू जी भी उनके लिए बहुत कुछ बोलते थे, सरदार पटेल तो उनका सम्मान ही करते थे, और भी बहुत से लोग बोलते थे, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियां करने का हमारे किसी भी अंदर में साहस नहीं था और अंदर में इस प्रकार का उनके अंदर में संस्कार भी नहीं था। तो आज भी हमारे लिए स्वामी श्रद्धानंद की क्या प्रासंगिकता है, इसको हम तीन चार वाक्यों में समझ के इस विषय को समाप्त करें। स्वामी जी को अगर कहा जाए तो ये एक आदर्श जननायक थे। जननायक ऐसे कि जिनको जन जन का श्रद्धा प्राप्त और जिनके पीछे हजारों लाखों लोग जो हैं वो अपना जान देने के लिए तैयार होते थे। आर्य जगत के अंदर इतनी अभूतपूर्व जो क्रांति आई है और रेडिकलिज्म अगर आया है, जिसका हमने देखा कि बाद में हैदराबाद सत्याग्रह में भी सबसे ज्यादा, स्वतंत्रता संग्राम में भी सबसे ज्यादा किन लोगों ने सहयोग किया, वो सहयोग आर्य समाज ने किया। इतने क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली है वो आर्य समाज के माध्यम से मिली है। उसके लिए अगर हम किसी को भी अगर श्रेय दें तो स्वामी श्रद्धानंद को दें। इस देश के और ईश्वर के, और इतना ही नहीं वेदों के भी भक्त थे, शिक्षाविद भी थे, धर्म सुधारक भी थे और हिंदू जाति के उद्धारक भी थे। तो ऐसा व्यक्ति जिसने ये इस बात की आदर्श की स्थापना की कि दलित का सम्मान अगर कोई कर सकता है तो वो केवल आर्य ही कर सकता है। और आज इसलिए प्रासंगिकता है कि हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, आज हमारा जो शासक दल है, अन्य अन्य भी दल हैं, वो सब बात करते हैं कि दलितों का उद्धार करना है, वो सब नाटक नजर आता है। और मैं आज भी बड़े गर्व से और विश्वास से कह सकता हूँ कि आज का जो हमारा शासक वर्ग है, यदि भी वो इस बात को समझ ले कि दलितों को वास्तव में अगर कोई सम्मान दे सकता है, दलितों को कोई अपने हृदय से लगा सकता है, उनके मन में एक आश्वस्ति का भाव पैदा कर सकता है कि हाँ हम तुमको अपने बराबर मानते हैं, तो वो कोई पौराणिक जगत का व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो तो नाटक लगता है, केवल आर्य समाज का व्यक्ति कर सकता है। इसलिए किसी भी दलित का अगर हमको सम्मान करना और उद्धार करना, उसके लिए ना अन्य पंथ है, एक ही पंथ है,
आर्य समाज ही केवल इस कार्य को कर सकता है। जितनी जल्दी हमारा ये हिंदू समाज और हमारा राजनीतिक समाज इस बात को जान ले तो बंधुओं इस कार्य के अंदर देर नहीं होने वाली। हम ही उनको सम्मानित पुरोहित बना सकते हैं, हम ही उनको सम्मानित विद्वान उपदेशक बना सकते हैं। बाकी तो सब लोग उनको केवल आरक्षण की टुकड़ी डाल के संतुष्ट करते हैं, और सम्मान अगर दिला सकता है तो केवल आर्य समाज दिला सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बताने वाला हूँ कि सिद्धांत ऋषि दयानंद ने स्थापित किए, वो उन्होंने स्थापित किए, लेकिन कर्म योगी के रूप में अगर उनको आचरण के अंदर परिणित किया तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया। तो अगर महर्षि का कोई सच्चा उत्तराधिकारी इस आर्य जगत के अंदर है तो वो केवल और केवल अन्य सन्यासियों की तुलना में महर्षि स्वामी श्रद्धानंद ठहरते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति पर हमारी दृष्टि नहीं रुकती है। मैं अंत में स्वामी श्रद्धानंद के प्रति उनकी पुण्य की पुण्यतिथि पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब बंधुओं को, उनके जितने भी ये हमारे ऐसे गर्व करने वाले जो उनके कृतित्व हैं उसका स्मरण करा के, आप सबको उनके कृतित्व का स्मरण करके केवल इतना भी कहना चाहता हूँ कि आर्य जगत में हम लोग मृदुता का व्यवहार करने का अपने जीवन में आदर्श बनाएंगे तो ऋषि दयानंद के स्वप्नों को साकार कर पाएंगे, स्वामी श्रद्धानंद के परिश्रम को सफल कर पाएंगे और अपने ही स्वप्न का भारत आगे देख पाएंगे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर उद्बोधन, मार्गदर्शन, ऐतिहासिक जानकारी और स्वामी श्रद्धानंद जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद गुप्ता जी का। कल फिर आपके विचार सुनेंगे मीनाक्षी लेखी की कोठी जी पर। अब मैं रामदेवी मदान जी से प्रार्थना करूंगा एक भजन, उसके बाद आज के मुख्य अतिथि सुरेंद्र शास्त्री जी। आइए रामदेवी मदान जी। नमस्कार जी, मैं गुरु विरजानंद पै जी। गुरु विरजानंद प्यारे तेरी जय होवे, गुरु विरजानंद प्यारे तेरी जय होवे, जय जय बोलन सारे तेरी जय होवे, जय जय बोलन सारे तेरी जय होवे। गुम हो गए अखियां दे मोती, माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। विमल चड्डा जी भी जुड़ चुके हैं नैरोबी से, उनका स्वागत है। नमस्कार सबको। नमस्कार जी। विमल चड्डा जी दो शब्द। मैं दो तीन नाम का उल्लेख करना चाहता हूं अनिल जी आपके अनुमति से। हाँ जी। मेरे एक मित्र हैं अतुल फैगल जी, बसंत उनसे जुड़े हैं, वो भी आर्य उपदेशक हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, वो हमारे श्रोताओं के रूप में हैं। मेरे एक बहुत निकट के संबंधी श्रीमान वेद प्रकाश जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी एक बेटी बंबई से चंदा दानी वो जुड़ी हुई है, डॉक्टर रुक्मणी गुप्ता जुड़ी हुई है। तो मैं इन लोगों का उनकी उपस्थिति को एक्नॉलेज करता हूँ और आपकी ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल आर्य जी, रविदेव जी को प्रणाम। हमारे बहुत ही परम मित्र हैं और हमारे वरिष्ठ हैं रविदेव जी, उन्होंने बहुत ठीक ढंग से व्याख्यान करते हुए ऋषि श्रद्धानंद के लिए क्या हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम आर्य व्रत का पालन करें और आर्य धर्म के आर्य के प्रचार के लिए जितना भी हम परिवारों में यज्ञ के द्वारा ये जो संक्रमण चल रहा है उसको दूर करने के लिए हम प्रयास करें और ये प्रार्थना करें ईश्वर से कि ये धीरे जल्दी समाप्त हो और हम 2022 के अंदर अपने परिवारों के साथ सुख शांति से रह सकें। ओम। आप थे विमल चड्डा जी नैरोबी से, बहुत बहुत धन्यवाद। रायटी करेंगे जी सुनाएगी कुछ, रचना वर्मा जी भी अमृतसर से, विजय कुमार जी भी है, जी। नमस्कार जी,
सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी ने बहुत सुंदर जानकारी दी है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सचमुच आचार्य जी ने बहुत सुंदर जानकारी दी है। महर्षि दयानंद तो अकेले थे और उस तो इतना अविद्या और अज्ञान छाया हुआ था, फिर भी उन्होंने इतने लोगों को आर्य बना दिया। तो अब तो और ज्यादा सबको इस चीज की नॉलेज है, तो हम सभी इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक छोटा सा भजन पेश कर रही हूँ। स्वामी श्रद्धानंद तेरी अमर कहानी रहेगी, अमर कहानी रहेगी। स्वामी श्रद्धानंद तेरी अमर कहानी रहेगी, अमर कहानी रहेगी। आर्यजनों के हृदय में प्रेरक कहानी रहेगी, प्रेरक कहानी रहेगी। ऋषि के सपनों को गतिशील बनाया, ऋषिवर के सुख सपनों को गतिशील बनाया। नव किस लय बीजों से गुरुकुल तीर्थ बनाया, नव किस लय बीजों से गुरुकुल तीर्थ बनाया। वैदिक मार्ग दिखाया, श्रुति संदेश सुनाया, श्रुति संदेश सुनाया। स्वामी श्रद्धानंद तेरी अमर कहानी रहेगी, अमर कहानी रहेगी। जामा मस्जिद जाकर वेद कडंका जाया, जामा मस्जिद जाकर वेद कडंका बजाया। हर ढोकी पाखंडी का दिल था दहलाया, हर ढोंगी पाखंडी का दिल था दहलाया। संगीनों के आगे सीना ताने दिखाया, सीना ताने दिखाया। आर्यजनों के हृदय में प्रेरक कहानी रहेगी, प्रेरक कहानी रहेगी। स्वामी श्रद्धानंद तेरी अमर कहानी रहेगी, अमर कहानी रहेगी। धन्यवाद भाई सब समय। मैं अनिल जी दो नाम की उपस्थिति और एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हैं अशोक कमल जी, वो जुड़े हुए हैं, उनका अभिनंदन है, और कीनिया से विमल चड्ढा जी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप इनका दोनों का अपने मुख से अभिनंदन करें। दोनों अतिथियों का स्वागत है। विमल चड्ढा जी जुड़ते रहते हैं कार्यक्रम में, बात भी होती रहती है फोन पे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। अब यह पुष्पा शास्त्री जी कुछ कहेंगी लाजपत नगर से। हाँ जी, हाँ जी। पुष्पा शास्त्री जी, फिर सुंदर शास्त्री जी, फिर सुदेश। हाँ ठीक है।
आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। ठीक है, फोटो आ रही है क्या? जी आ रही है, आप बोलिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक है। इन्हें पकड़ के मेरी तरफ। हाँ जी, थोड़ा इधर करो। अभी आपके सामने मैं एक स्वामी दयानंद के भजन बोलना चाह रही हूँ। स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत माता जाया विरजानंद कुटिया बेचों विद्या पढ़ के आया। स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत माता जाया बिरजानंद कुटिया बेचों विद्या पढ़ के आया। गुरु चरणा विच भेंटा की थी लूंगा भी कथाले गुरुवर ने कोई लूंगा बदले मंगी चीज निराली। गुरु चरणा विच भेंटा कीता लूंगा भी कथाली गुरुवर ने कोई लूंगा बदले मंगी चीज निराली। तन मन अपना गुरु चरणा विच ओसे वक्त चढ़ाया स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत माता जाया। स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत माता जाया। कुंभ दे मेले हर की पौड़ी गंगा जी दे कंडे लोका विच जहालत देखी मोजा लुट दे पंडे। कुंभ दे मेले हर की पौड़ी गंगा जी दे कंडे लोका विच जहालत देखी मोजा लुट दे पंडे। दिल भरे आया अखियां विचों दिल भरे आया अखियां विचों छम छम नीर बहाया स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत माता जाया। स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत माता जाया। किधरे बैठे विधवा रोवे किधरे अछूत विचारे किधरे मुसलमानों ने किधरे ओपा जाल खलारे। किधरे बैठे विधवा रोवे किधरे अछूत विचारे किधरे मुसलमाना ने किधरे ओपा जाल खिलारे। वेख के अपने देश दी हालत वेख के अपने देश दी हालत कोला घुट लंघाया स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत माता जाया। स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत माता जाया। सर्दी गर्मी भूखा सहके सर्दी गर्मी भूखा सहके फट जिगर ते सीते इट्टा रोड़े पत्थर खाके जहर प्याले पीते इट्टा रोड़े पत्थर खाके जहर प्याले पीते। फिर किते जाके पथिक असाडा डुबदा देश बचाया स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत माता जाया। स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत माता जाया। बिरजानंद कुटिया विचों बिरजानंद कुटिया विचों विद्या पढ़ के आया।
स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी भारत मादा जाया, भारत मादा जाया, भारत मादा जाया। धन्यवाद अनिल जी, बहुत धन्यवाद। आवाज के मुख्य अतिथि श्री सुनंदर शास्त्री जी महामंत्री आर्य समाज लाजपत नगर से अनुरोध करूंगा अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन देके। सुनंदर शास्त्री जी सुनंदर शास्त्री जी बोलिए। हाँ जी, अरे और सुनंदर शास्त्री जी बोल रही हूँ। बोलना शुरू करो। अनिल भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। किसको बुला रहे हो कुछ नहीं पता चल रहा। सुनंदर शास्त्री जी बोलिए। हाँ, सत पूर्व मैं आर्य योग परिषद के अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी तथा उनकी श्रीमती प्रवीण आर्य जी का तथा उनकी पूरी टीम का साधुवाद करना चाहता हूँ, जो निरंतर विभिन्न विषयों पर 330 वेबिनार पूरे करने के बाद आज 331वां राष्ट्रीय वेबिनार स्वामी सदानंद व्यक्तित्व व कृतित्व विषय पर मना रहे हैं, जिसके मुख्य वक्ता सर्वगुण संपन्न श्री रवि देव जी दिल्ली वेद प्रचार मंडल के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज अपनी विद्वता का परिचय दिया देते हुए स्वामी सदानंद पर विचार रखे और वे सभी विषयों पर बोल सकते हैं तथा आर्य संदेश पर टीवी पर हम उनके विचार तथा गोष्ठी सुनते रहते हैं। विशेष रूप से भगवान श्री राम श्री हनुमान पर तो वे पूरी तरह से सिद्धस्थ हैं, परंगत हैं। उन्होंने अपने भाषणों में अनेक प्रकार की हनुमान जी के बारे में भ्रांतियां को दूर किया। उनके भाषण सुनने पर मन करता है कि उनके जो है मुखारविंद से ये निकली बातें सुनते ही रहें। आज उन्होंने स्वामी सदानंद पर अपने विचार रखे जो अत्यधिक सराहनीय हैं और वे अपनी विद्वता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आर्य समाज के साथ ही दो महत्वपूर्ण विभूतियों का नाम जुड़ा हुआ है। जब तक संसार रहेगा तब तक महर्षि दयानंद का नाम और जिन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और स्वामी जी सच्चे राष्ट्रवादी थे, सब धर्म सब भाषा सब संस्कृति के प्रति आशा जगाने वाले के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने प्रबल प्रसार किया। भारत की धार्मिक स्मृति के लिए गौरव गौ रक्षा के महत्व को बतलाया, हिंदी के राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने की प्रेरणा दी। उन्हें 59 वर्ष की आयु में 30 अक्टूबर को 1883 में उनका निधन हुआ तो वे देश के लिए बलिदान हुए। और दूसरे अमर हुतात्मा स्वामी सदानंद सरस्वती जो मूलतः पंजाब के निवासी थे। स्वामी सदानंद मुंशी राम के सफल युवा जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी बरेली आदि नगरी में रहते थे। उनके पिता नानक चंद जो है पुलिस के अधिकारी से अंग्रेजी तथा पश्चिम सभ्यता के कारण वे उन्होंने श्री राम को ईश्वर के प्रति अविश्वासी तथा नास्तिक बना दिया था। 1879 में जब महर्षि दयानंद का बरेली आगमन हुआ तो उन्होंने मुंशी राम वो विश्वासी दयानंद के संपर्क में आकर के उनका जो है समाधान हुआ और परमात्मा के प्रति आस्था के प्रति उनके मन में कूट कूट के विचार भरे गए। उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से समाज के लिए अर्पित कर दिया। महर्षि दयानंद द्वारा शिक्षा पद्धति को प्रचारित करने के लिए 1902 में उन्होंने गंगा के तट पर एक गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की तथा आदर्श प्रस्तुत किया। बाद में संन्यास ग्रहण करके मुंशी राम के नाम से सदानंद का नाम ग्रहण किया, किंतु
किंतु समाज के विचारक के गलत उधार अछूत अछूत उधार के अधिक अनेकों कहकर वैदिक धर्म के अनेक कराने जैसे कार्य किए। 23 दिसंबर 1926 को एक अंध व्यक्ति को गोली का शिकार बन गए, उन्होंने जो है निधन हुआ। इस प्रकार स्वामी दयानंद समाज के लिए गहरी विकल्प पीकर सहुदात्मा स्वामी सदानंद ने सीने में गोली खा करके जो है अमर हुए, शहीद हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र शास्त्री जी, आज के मुख्य अतिथि। इससे पहले कि सुदेश आर्य जी बोले, आर्य राजपुत्र के प्रधान राजेश मेहता जी दुबई से जुड़े हुए दुबई से, श्री राजेश मेहता जी दुबई से 2 मिनट। चलो जब तक राजेश जी जुड़ते हैं। हाँ जी, हाँ आगे आगे स्वागत है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनिल जी कि आप बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हो इस काम के ऊपर। ईश्वर आपको लंबी आयु दे और आपके प्रोग्राम सदा चलते रहे। आज आपने स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के ऊपर रखा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। रविदेव जी की तो कोई तुलना ही नहीं है, हर एक शब्द चुन चुन के, हर एक उनका मीनिंग एक एक होता है। मैं उनको भी सचमुच उनको प्रणाम करता हूँ, उनके गुणों को प्रणाम करता हूँ। आपकी बहुत अच्छी बात है। हमारे शास्त्री जी आज पुष्पा भाभी ने भी भजन सुनाया और शास्त्री जी भी बहुत अच्छा बोले स्वामी दयानंद के बारे में भी और श्रद्धानंद जी के बारे में भी, बहुत अच्छा लगा। मैं आजकल दुबई में हूँ, यहाँ टाइम डिफरेंस है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना, तो चलो ठीक है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी। गॉड ब्लेस यू बच्चे। धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत बहुत। अब आमंत्रित करता हूँ सुदेश आर्य जी, एक मधुर भजन। सुदेश जी नमस्ते सभी को, आदरणीय हम सभी के प्रिय आदरणीय श्री डॉक्टर अनिल आर्य जी, अद्भुत प्रतिभा के धनी। अगर कई सारे कंप्यूटर का ज्ञान एक जगह रख दिया जाए और डॉक्टर साहब की याददाश्त, तो दोनों पलड़े बराबर रहेंगे। मैं आपको नमन करती हूँ। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री रविंद्र गुप्ता जी ने बहुत सुंदर उद्बोधन किया, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर प्रेरणा मिली हमें और हमारे साथ में जुड़े हुए बिपिन जी, ओम सप्रा जी, आनंद प्रकाश जी और कल्पना जी, उषा सूद माता जी, पुष्पा शास्त्री बहन जी और आदरणीय श्री सुरेंद्र जी, सभी को मैं अपनी ओर से नमन करती हूँ। और आइए डॉक्टर साहब के आदेश को मानते हुए एक छोटा सा भजन इस कार्यक्रम के बीच में उपस्थित समुपस्थित और गाने का श्रेय बार बार मिलता है, आदरणीय डॉक्टर साहब को देना चाहती हूँ ये श्रेय। तो एक प्लेटफॉर्म पर हम सभी को समय समय पर एकत्रित होकर के, हमें लगा ही नहीं कि कोरोना काल चल रहा है, अनकाउंटेड उनके जो सेमिनार्स हैं, मैं नतमस्तक हूँ ऐसे ऐसे व्यक्तित्व पर जिन्होंने कि हमें इतने विषम परिस्थितियों में भी एक माला के धागे में पिरो करके रखा, ऐसी मंच को नमन करते हुए आइए स्वामी श्रद्धानंद को एक समर्पित भजन गीत। कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद जी, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद जी, दे गए जनहित में जान स्वामी श्रद्धानंद जी, दे गए जनहित में अपनी जान स्वामी श्रद्धानंद जी,
23 दिसंबर आया शत्रु ने वार चलाया, 23 दिसंबर आया शत्रु ने वार चलाया, धरती हो गई लहूलुहान स्वामी श्रद्धानंद जी, धरती हो गई थी लहूलुहान स्वामी श्रद्धानंद जी, दे गए अपनी जान स्वामी श्रद्धानंद जी, दे गए जनहित में अपनी जान स्वामी श्रद्धानंद जी। सीने पे गोली खाई निज तन में भेंट चढ़ाई, सीने पे गोली खाई नितन की भेंट चढ़ाई, दे गए जनहित में अपनी जान स्वामी श्रद्धानंद जी, दे गए जनहित में अपनी जान स्वामी श्रद्धानंद जी। शुद्धि की रीत चलाई भारत की शान बढ़ाई, शुद्धि की रीत चलाई भारत की शान बढ़ाई, जागे जिससे ऋषि संतान स्वामी श्रद्धानंद जी, जग जाए ऋषियों की संतान स्वामी श्रद्धानंद जी, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद जी, कर गए थे प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद जी। गोरों से ना घबराए सीना खोला के आए, गोरों से ना घबराए सीना खोला के आए, ये है वीरों की पहचान स्वामी श्रद्धानंद जी, थे वो वीरों की पहचान स्वामी श्रद्धानंद जी। गुरुकुल था खोल दिखाया समता का पाठ पढ़ाया, गुरुकुल था खोल दिखाया समता का पाठ पढ़ाया, जग से मिटा गए सब अज्ञान स्वामी श्रद्धानंद जी, जग से मिटा गए सब अज्ञान स्वामी श्रद्धानंद जी, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद जी, कर गए थे प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद जी, दे गए थे जनहित में जान स्वामी श्रद्धानंद जी, दे गए थे जनहित अपनी जान स्वामी श्रद्धानंद जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेशा जी। रामदेवी मदान जी सुनेंगे, पहले भी बोला था नाम उनका, रामदेवी मदान जी हैं। चलो आज के अध्यक्ष श्री अमीर चंद्र खेजा जी, उप प्रधान आर्य समाज ब्यूरो फेसबान आएंगे अपना उद्बोधन आशीर्वाद मार्गदर्शन। श्री अमीर चंद्र खेजा जी, श्री अमीर चंद्र खेजा जी आज के अध्यक्ष आ जाएं। श्री अमीर चंद्र खेजा जी इस समय बंबई में है, आ जाइए। मैं बोलूं मेरा माइक ऑन हो गया? बोलो जी, तब तक खेजा जी जुड़ते हैं, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं पूरे कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैंने देखा कि हमारी बहनों ने माताओं ने अपने भजनों के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद जी को अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों के अंदर उनके प्रति श्रद्धा का सम्मान का भाव उत्पन्न किया। मैं उन सभी बहनों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और सबको स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए उनको बताएं। मेरे परम मित्र
श्री रविदत्त गुप्ता जी ने जो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और विद्वान हैं, उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबको स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से संबंधित बातें बताई हैं। मैंने देखा कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को, जीवन के हर पहलू को उसकी चर्चा की। उन्होंने उसके साथ ही उन्होंने उन कार्यों का भी उल्लेख किया जो अभूतपूर्व थे, जो ऐसे आम व्यक्ति के लिए करने असंभव थे। वो सब चीज का उन्होंने पूरा विस्तृत रूप से जानकारी हमको दी। मैं अब इसी छे पे जो बातें उन्होंने कही हैं बार बार उनको दोहराऊंगा नहीं, केवल अपनी ओर से उनकी बातों को सपोर्ट करूंगा। स्वामी श्रद्धानंद जी एक निर्भीक सन्यासी, स्वतंत्रता सेनानी, अमर बलिदानी, समाज सुधारक, अछूतोद्धारक, वेद प्रचार करने वाले, जाति को जगाने वाले, एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे कार्य किए जो अद्भुत थे, निराले थे, विलक्षण थे, हर प्रकार से सामान्य आदमी के लिए प्रेरक थे। वो निर्भीक थे। उन्होंने बीहर गुरुकुल कांगड़ी में, जहां जंगली थे, बीहर जंगलों के बीच गुरुकुल की स्थापना की। ये एक साहसी निडर व्यक्ति ही कर सकता है, आम व्यक्ति के लिए तो ये संभव है ही। एक अच्छे नेता थे, कुशल नेता थे, ओजस्वी वक्ता थे। कुशल नेता वही होता है जो कार्य करने से पहले पहले अपनी आहुति देता। तो जब उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी स्थापित की तो सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों बच्चों को उसमें प्रविष्ट कराया। ये एक उदाहरण होता है। आपने सुना कि उन्होंने जब वो नेतृत्व कर रहे थे बहुत अपार जुलूस का चांदनी चौक में, और अंग्रेजों ने उनको रोका आगे जाने से, संगी ने तान रखी थी, तब भी उन्होंने अपनी छाती खोल कर कहा कि पहले मुझे आप गोली मारो, फिर हम देखेंगे क्या होना है। अंग्रेज इस बात से डर गए। ये ऐसा ही कुशल नेतृत्व देने वाले थे कि सब लोग इनके पीछे चल रहे थे, और ये शेर गर्जना देखकर अंग्रेजों को अपनी संगी ने नीची करनी पड़ी। इससे पता चलता है कि और भी ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिससे उनके साहस का, उनकी निडरता का परिचय हमको मिलता है। इसके अतिरिक्त वो त्यागी थे, तपस्वी थे। त्याग की भावना उनमें इतनी भरी थी कि उन्होंने अपनी कोठी, अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम, गुरुकुल के नाम और अन्य अच्छे कार्यों के नाम कर दी। जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने काम को आगे बढ़ाने के लिए तवज्जो दी। इसके अतिरिक्त वो दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। जब किसी बात को ठान लेते थे उसका पूरा करने की उसको कोशिश करते थे। हर समय ये जो चीज उन्होंने संकल्प में ले ली उसके आगे फिर कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने ना केवल अछूत उद्धार के लिए काम किया, उन्होंने जन कल्याण के लिए, कुरीतियों को हटाने के लिए, लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी दूर करने के लिए उन सब को हटाया।
वो स्वामी दयानंद के अनन्य भक्त थे। स्वामी दयानंद जी से लोग बहुत से प्रभावित हुए। आपने अमी चंद का हाँ जी बोलिए बोलिए आवाज आ रही है। तो उन्होंने जो भी फैसला लेते थे, मैं अभी बता रहा था आपको कि उन्होंने ना केवल अछूतोद्धार किया बल्कि समाज में जो त्रुटियां थी, जो भ्रांतियां थी, जो अंधविश्वास की बातें थी, उनको भी दूर किया। वेदों का प्रचार किया, लोगों को वेदों को समझने के लिए प्रेरित किया, वेदों के ज्ञान को जानने के लिए किया और बताया कि जो वेद में लिखा है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे संसार के लिए, हमारे देश के लिए, सर्वमाती मानव के लिए उपयोगी है। तो ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और उन्हें शत शत नमन करता हूं। और अब आप सब की ओर से, आर्य जगत की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूंगा कि गांधी जी, जिनको स्वामी श्रद्धानंद जी ने कुछ श्रम दान करा के बच्चों से धन भेजा था, वो जब आए हिंदुस्तान में उनसे मिले तो एक दूसरे की उन्होंने प्रशंसा की, एक दूसरे को गले लगाया, प्रेम प्यार से बातें की और उनको महात्मा जी की उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन समय का कालचक्र देखिए, जब वो कांग्रेस में थे और उन्हें पता लग रहा था कि ये जो खिलाफत आंदोलन चल रही है इसका हिंदुस्तान के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी गांधी जी के अनुरोध पर स्वामी जी ने उनका साथ दिया। नागपुर में जब सारे मौलवी इकट्ठे थे, उन्होंने वहां पे कुरान से आयतें पढ़ी। आयतों में साफ झलक रहा था कि ये सब लोग लोगों को भड़का रहे हैं और अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है आतंकवादी की तरह पेश आइए, हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, हमारे व्यवस्थाएं हैं वो अलग हैं, हमें तो इनसे अलग होना ही है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं गांधी जी? तो गांधी जी ने कहा, ये आपके लिए नहीं कह रहे, ये हिंदुओं के लिए नहीं कह रहे, ये तो बता रहे हैं कि ये सब अंग्रेजों के लिए कह रहे। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी दूरदर्शी थे, वो पहचान गए थे कि जड़ में कुछ और ही है। और उसका नतीजा ये निकला, जब हमारे देश में धर्मांतरण हो रहा था, खूब धड़ल्ले से हो रहा था, मुसलमान लोग हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए लगे हुए थे, हर तरह से कोशिश कर रहे थे, तलवार की नोक पर डरा धमका के, लालच दे के, हर तरीके से मुसलमान बना रहे थे, तो कांग्रेस भी चुप थी, गांधी जी भी चुप थे। उस समय उन्होंने कहा, गांधी जी, महात्मा जी, अगर आप एक, उन्होंने पहले गांधी जी ने सभा बुलाई, उसका नाम रखा हिंदू मुस्लिम एकता, सब के लिए एकता के लिए। लेकिन उसमें उन्होंने गांधी जी को कहा, स्वामी जी, मैं आपके कहे के अनुसार चलूंगा, मैं शुद्धि आंदोलन को बंद कर दूंगा, यदि आप मेरे मुसलमान भाइयों को ये समझा सकें कि वो धर्म परिवर्तन का काम, तबलीग का काम भी बंद करें। स्वामी जी ने ये बातें कही, लेकिन गांधी जी ने
कोई इसका उत्तर नहीं दिया। बार बार वो रट लगाते रहे कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये जरूरी है कि हम शुद्धि कार्यक्रम को रोकें, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि देखिए ऐसा कैसे संभव हो सकता है, आप हिंदुओं की भावना को खिलवाड़ बना रहे हैं। इससे दोनों के बीच में ठन गई। गांधी जी ने अपने पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में आर्य समाज को, स्वामी श्रद्धानंद जी को, स्वामी दयानंद जी को, सबको उन्होंने उनका विरोध किया, उनकी बातों का विरोध किया। इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ी। जो कार्यक्रम मुसलमान निर्भीकता से चला रहे थे उसका प्रतिरोध करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि का कार्यक्रम चलाया था और वो इतना सफल हुआ कि जैसे उन्होंने इन्होंने अपने रवि जी ने आपको बताया, हर तरफ से स्वामी जी की जय जयकार हो रही, तो मुसलमान उससे अप्रसन्न हो गए, वो नाराज हो गए और अंत में जब ये मामला बहुत बड़ा और कहते हैं लास्ट स्ट्रा ऑन द कैमल बैक इस घटना से हुआ, जिसमें वो एक महिला, मुस्लिम महिला जो इन्होंने नाम बताया अशरफ बेगम, वो स्वामी जी के पास आई और उसने कहा मैं परेशान हूँ, मुझे बचाओ, मुझे अपने धर्म वाले लोग जीने नहीं देते, हमारा निरादर करते हैं और औरतों के लिए कोई स्थान है नहीं, आप मुझे बचाइए। स्वामी जी ने उसकी बात को सुना, समझा और उसके बाद मुसलमानों के कई लोग आए, स्वामी जी से कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, ये धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते। स्वामी जी ने उसको बुला के पूछा आप धर्म परिवर्तन चाहती हो, हिंदू बनना चाहती हो, तो उसने हाँ, सबके सामने उसने कहा मैं हाँ बनना चाहती हूँ। फिर उसका नाम परिवर्तन करके शुद्धि के बाद उन्होंने उसका नाम शांति देवी रखा। इससे तो मुसलमान और सारी जनता भड़क गई और एक धर्मान व्यक्ति अब्दुल रशीद ने उनको जो है गोलियां मार दी और उनका अंत कर दिया। इसके पश्चात क्या हुआ ये भी सुनने वाली बात। गांधी जी ने ये कहा कि ये मेरा भाई है, अब्दुल रशीद को उन्होंने भाई कहा और साथ ही ये कहा इसका कोई दोष नहीं, दोष उन लोगों का है जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा की। इसी तरह से आप देखिए, जब ये सुनाया गया कि इसको फांसी देने वाले हैं, तो सारे देश के मस्जिदों में मुल्लाओं ने अल्लाह से प्रार्थना की कि इसको जन्नत दी जाए। इसी प्रकार की बातें चलती हैं। तो हमें आज भी स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमको संगठित होना चाहिए। आगे जो टाइम आ रहा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें संभलना है, हमें सुधरना है, हमें एक साथ मिलके आगे चलना है और देश में चल रहे षड्यंत्रों से अपनी जानकारी प्राप्त करके हमें आगे को बढ़ाना। और स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेनी। मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति जो आर्य समाज से नहीं जुड़े वो स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जानते ही नहीं। मैंने एक से पूछा स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जानते हैं, उसने कहा मेरे को नहीं पता कौन है। फिर दूसरे से मैंने पूछा जो पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछा, एक एम काम व्यक्ति था उससे मैंने पूछा आपने कभी सुना नाम, कहे हाँ मैंने सुना है, वो जो थे उनको जहर दी गई थी। अब आप देखिए ये हमारे देश के अपने ही लोग हैं जो हमारे नेताओं के, महापुरुषों के सेनानी, महापुरुषों के, अमर सेनानियों के, देशभक्तों के, और जिन्होंने देश के लिए, हिंदू समाज के लिए इतनी बलिदान दिया, उसके बारे में नहीं जानते। कौन दोषी है? दोषी हम हैं
जिन्होंने उनको बताया नहीं। हम अपने बच्चों को नहीं बताते ऐसी बातें, सोचते हैं इनकी क्या समझ आएगी। नहीं, छोटी उम्र में ही आप बात बताओगे तो उनको समझ में आएगी, जब वो बड़े हो जाएंगे फिर आपकी बातों का उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अपने बच्चों को बताएं। मैं डॉक्टर अनिल आर्य जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया, और अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति सबने अपनी श्रद्धांजलि दी, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अनिल आर्य जी जो काम कर रहे हैं ये सराहनीय है, सबको उन्होंने जोड़ रखा है, और ना जाने कितने कितने विषयों पर वो लोगों को बोलते हैं, बोलने के लिए कहते हैं, इतने विषय कहाँ से लाते हैं, यही मैं सोच के हैरान हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अनिल जी दीर्घायु को प्राप्त हों, स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार से देश और समाज की सेवा में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज के अध्यक्ष आदरणीय श्री अभी चंद्र खिजा जी, आपके ससुर जी स्वामी भूतानंद जी बम्बई में आर्य समाज के सन्यासी थे, सन्यास लेने के बाद कृष्णनगर में स्वामी दयानंद जन्मोत्सव पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी की उपस्थिति में उनका अपने स्वागत भी किया था। तो मैं अब कार्यक्रम 7 बज चुके हैं, बाकी उनसे क्षमा चाहता हूँ, कुछ भजन कल भी आप लोगों के होंगे। अब प्रवीण जी हमारे जो परिषद के मंत्री हैं एक गीत और शांति पाठ करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल सुबह मिलते हैं 10 बजे मीनाक्षी लेख जी की कोठी पे 14 महादेव रोड नई दिल्ली। आइए प्रवीण जी। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर बहुत ही सुंदर आज चर्चा रही। ईश्वर के प्रति श्रद्धानंद जी का जो है बहुत ही लगाव था, उनकी ईश्वर पर बहुत दृढ़ आस्था थी। तो ईश्वर भक्ति का ये एक छोटा सा गीत 2 लाइनों में, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए, करता रहूं प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ओम देव शांतिरंतरिक्षद्वम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति ही वनस्पतया शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वम शांति शांतिरेव शांतिरेधि। ओम शांति शांति।
शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विद्यानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। स्वामी शारदानंद जी महाराज जी अमर रहे। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तीन सूचनाएं हैं। श्री मुकेश आनंद जी अमृतसर से जुड़ते थे कार्यक्रम में, भजन भी गाते थे, वो भी कार्यक्रम चलाते थे, उनका गत दिनों निधन हो गया। श्री वेद प्रकाश आर्य जी सार्वजनिक आर्मी दल के राष्ट्रीय महामंत्री, आज सुबह रोहतक में उनका निधन हो गया। वो वैदिक भक्ति आश्रम रोहतक के महामंत्री भी थे। इसी तरह प्रवीण भाटिया जी दयाना मार्ट स्कूल विवेक विहार के मैनेजर, परिषद के अपार सहयोगी, उनका भी निधन हो गया कल श्रद्धांजलि सभा दोपहर में। तीनों महात्माओं के निधन पर बहुत बहुत मेरा श्रद्धांजलि। कल सुबह मिलते हैं मीनाक्षी नगरी जी की कोठी में 10 बजे। सभी का धन्यवाद।